नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, लखीमपुर में किसान कांड के बाद दो नए वीडियो आ गए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हैं, जिसमें एक थार गाड़ी किसानों को रौंदती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी की लाइन से हटकर बगावत कर दी है। वरुण गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों और इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करे और तत्काल गिरफ्तार करे। किसानों का कहना यह है कि गाड़ी बीजेपी के गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा चला रहा था। उसने वापस जा रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। उसके पीछे कुछ और गाड़ियां थी जो लोगों को रौंदते हुए आगे निकल जाती हैं। दोस्तों, इसी के दो वीडियो हैं। एक वीडियो पास का है और दूसरा दूर से शूट किया गया है। इसमें भी कई प्रदर्शन कर रहे किसानों की भीड़ के बीच से किसानों को रोनती हुई गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गाड़ियां और जगह देखकर कोई शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आप नेता संजय सिंह ने कहा, क्या इसके बाद भी कोई प्रमाण चाहिए? देखिए, सत्ता के अहंकार में चूर गुंडों ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कैसे रौंदकर मार दिया। कुछ चैनल ज्ञान दे रहे थे कि मंत्री जी का बेटा जान बचाने के लिए भागा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तीसरा वीडियो है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री का लड़का गाड़ी से रौंदने के बाद निकलकर भागता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।